कैमूर का मंदिर जहां शारदीय नवरात्रि में लगता है भूतों का मेला। विज्ञान युग में भी अंधविश्वास में जी रहे हैं लोग। डॉक्टर के यहां जाने के बदले झाड़ फूक में करते हैं विश्वास। हरसू ब्रह्म स्थान में पंडा लोगों के अनुसार भूत पिशाच का सुप्रीम कोर्ट है। यहां सभी प्रकार के मानसिक रोगी को ठीक कर भेज दिया जाता है अपने घर। बता दें कि शारदीय नवरात्रि में कैमूर में लगता है भूतों का मेला। एक दो नहीं हजार की संख्या में भूतों का लगता है जमघट। यह सच है कि कैमूर जिले के चैनपुर स्थित बाबा हरसू ब्रह्म स्थान में शारदीय नवरात्र में भूतों का मेला लगता है और यहां आने के बाद मरीज ठीक हो जाता है। पूरे नवरात्र में सुबह से शाम तक बाबा हरसू ब्रह्म मंदिर में मानसिक रोगियों का जमावड़ा लगता है। ऐसा नहीं कि यह शिक्षित नहीं होते, पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले भी अपने परिवार के ऊपर होने वाले परेशानी, नीज संतान, बीमारी से ग्रसित मरीज जो डॉक्टर से इलाज करा करा कर थक गए हैं पर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, लेकिन जब हरसू ब्रह्म दरबार पहुँचते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि मंदिर में आए पीड़ितों का कहना है। पूरे नवरात्र में मंदिर परिसर में भूतों को खेलते रोते चीखते चिल्लाते देख सकते हैं। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था और ऊपरी भी दिक्कत थी, यहाँ आने के बाद सब ठीक हो गया। उसे दूसरे दिन ही जी अरे जैसे इधर का काम उनका नुकसान करना ये नुकसान करना जी जी सब 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 बंद हो गया। अब यहाँ आने वाले लोग डॉक्टर के यहाँ जाने के बदले झाड़ फूक में विश्वास करते हैं। यहाँ परंपरा वर्षों से चली आ रही है। भले ही हम आज चांद पर कदम रख चुके हों पर आज भी लोग डॉक्टर से इलाज कराने के बजाय झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। ऐसा भी नहीं कि सभी अशिक्षित हैं, कई लोग ऐसे हैं जो खुद डॉक्टर हैं पर आज भी बाबा के दरबार में श्रद्धा रखते हैं। बनारस के डॉक्टर बीके दुबे और उनकी पत्नी वंदना दुबे बताते हैं कि उनके घर वंश नहीं चल रहा था, जन्म के बाद मृत्यु हो जाती थी, पर उनकी मां ने जब से बाबा हरसू ब्रह्म स्थान आना शुरू किया तो उनका वंश चलने लगा। बचपन में हम लोगों के मतलब की पुत्र की जो वो थी कि मर जाते थे, मेरी माता के पुत्र मर जाते थे, लेकिन आज इन बाबा की कृपा से ही आज हम सब हैं और इनकी जो कृपा है बड़ी अतुलनीय कृपा है, इनकी कृपा का कोई वो नहीं है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। इन लोगों के ब्रह्म हरसू ब्रह्म के नाम से ही मेरा नाम ब्रह्म किशोर पड़ा, मेरे बड़े भाई का नाम ब्रह्म नारायण पड़ा, इनकी बड़ी असीम कृपा है। दादी सास सब मानते थे, हम लोग भी वही मानते हुए आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी आए, उनके बच्चे भी यहाँ आएंगे, इसीलिए हम लोग भी आते हैं। हमारी सास ने जिस श्रद्धा से उनका पूजा किया और उनकी मनोकामना पूरी हुई उसी श्रद्धा से हम लोग भी आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील निखिल मिश्रा का कहना है कि मेरी तबीयत खराब थी, कोरोना जैसे महामारी को मैंने खुद पूरे संसार में लाया हो ऐसा महसूस होता था, साथ ही मुझे सिर्फ दवाइयां नजर आती थी, पर जब मैं हरसू ब्रह्म स्थान आया तब से सब ठीक है। जो भी चीजें हम एक्टिविटी करते थे वो बहुत ही उल्टा सीधा करने लगे थे, तो हमें उस समय लगता था कि हमारी वजह से आया है कोरोना इस संसार में। हाँ ऐसा लगता था, हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, प्रयागराज के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन अंत में फिर हमको विश्वास हुआ कि नहीं ये सब हमारी सोच गलत थी, बाबा में हमारी आस्था थी, आज हम इनके धाम में पहुँचे, हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं हमारे माता पिता ही हैं। हमको भगवान दिखाई दे, देवियाँ दिखाई देती थी, हमको देवियाँ दिखाई देती थी साक्षात रूप से। वही सविता मिश्रा जो यूपी के मिर्जापुर से पूरे परिवार के साथ आई, उनका कहना है कि जब से मैं यहाँ आ रही हूँ तब से पूरा परिवार ठीक है। रॉबर्ट्सगंज के ममता पांडे का कहना है कि मेरे पति पर किसी ने काला साया डाल दिया था, कई डॉक्टर से दिखाया पर मेरे पति ठीक नहीं हुए, जब से यहाँ आना शुरू हुआ अब वो ठीक है। हम 7 बार से आ रहे हैं भैया, हमें बहुत आस्था बड़ा विश्वास हो गया। क्या परेशानी था?
हमारे मतलब परिवार में हमारे रिश्तेदार लोगों मतलब बच्चे का दिक्कत था, संतान किसी को नहीं हो रहे थे, तो सबको ब्रह्म बाबा ने दे दिया, अब हमें विश्वास होता चला गया, इसलिए हम बार बार आ जा रहे हैं। हम मिर्जापुर जिले से आए हैं। सभी आप ही के परिवार के? सब हमारे परिवार। हमारे आदमी के कोई कर दिया था, उनके कमर में बहुत दर्द होता था, उठ बैठ नहीं पाते थे, ना कुछ कर देते थे, बहुत परेशान, बहुत डरे, हम देखाए नहीं हमको आराम हुआ। बाकी बाबा के दरबार में जब से आए तब से हमारा कल्याण हुआ है। क्या कोई बता दिया कि मैंने इनको कुछ हो गया है? हाँ हाँ। क्या हो गया था? उनके बन ऊपर ही कारण कोई किया था। पकड़ लिया? हाँ। आप डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर के पास तो हम बहुत इलाज कराए, सभी इलाज करा दिए, कुछ नहीं ठीक हुआ। बाबा हरसु ब्रह्म की क्या है कहानी? मंदिर के संयोजक राजकिशोर चैनपुरी बाबा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि दो राक्षस उत्कल और वज्रदंत दोनों ने कभी आतंक मचाया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगे, तब जाकर भगवान शंकर जी ने उत्कल का त्रिशूल से वध कर दिया, तो वज्रदंत ने महिला रूप धारण कर लिया, तो भगवान शंकर ने भी उसे कलयुग में मिलने का श्राप। वहीं शंकर जी के रूप में हरसु बाबा अवतरित हुए और वज्रदंत राक्षस के रूप में राजा शालीवाहन के पति मानिकमती अवतरित हुई। बाबा हरसु राजा शालीवाहन के राजपुरोहित थे। राजा अपने सभी शुभ कार्यों को हरसु बाबा के आदेश से करते थे। पूर्व के श्राप के कारण राजा का वंश नहीं आगे बढ़ा, तो राजा ने अपने पुरोहित हरसु बाबा से पूछा कि मेरे वंश कैसे चलेगा, तो उन्होंने दूसरी शादी करने की सलाह दी। तो छत्तीसगढ़ के राजा भूदेव सिंह की पुत्री ज्ञान कुमारी से शादी हो गई, जिससे दुखी होकर राजा की पहली रानी ने हरसु बाबा को प्रताड़ित करने लगी, उनके महल को भी ध्वस्त कर दिया। जिससे दुखी होकर हरसु बाबा राजा के महल में 21 दिन बिना अन्न जल के पड़े रहे। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण दे दिए। इसकी सूचना जैसे ही माता हंसरानी को मिली, तो हाथ में दीपक लिए हरसु बाबा के नाम पर तप करते जलकर भस्म हो गई। उसके बाद राजा शालीवाहन का विनाश हो गया, तब से हरसु बाबा पूजे जाने लगे। आज देश विदेश से सभी लोग आते हैं और अपनी समस्या का निदान करवाते हैं। इसे भूत पिशाच का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है।